हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है। वैसे तो आप सबको पता है कि क्या होता है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन अब प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, प्रूफ कैसे किया जाएगा। देखो, अब आप देखोगे कि ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है। आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर में आपके पास ये एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 डिग्री से। ये आपको 10 दिख रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ 60 है। मतलब इस लाइन के ऊपर 0 डिग्री है, इस लाइन के ऊपर 60 डिग्री है। तो एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का। ये एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री। अब हम नीचे आएंगे एंगल बी की तरफ। इसे आप एंगल बी ले लो, यहाँ पर बी ले लिया हमने। ये ए लिया था, ये बी लिया है। ए में आप देखो, हमने किया था 60 डिग्री। बी भी आप देख सकते हो, ये 0 डिग्री से शुरू है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। भला एंगल बी भी क्या हो गया, 60 डिग्री। एंगल बी भी क्या हो गया, 60 डिग्री। अब हम करेंगे एंगल सी। एंगल सी आप देख सकते हो, जैसे 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, लाइन के ऊपर 60 आ गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तीनों एंगल 60 हो गए, तो हमारे पास सब क्या हो गया। अब आप देख सकते हो, जैसे तीनों एंगल, एंगल ए भी 60 डिग्री है, एंगल बी भी 60 डिग्री है, एंगल सी भी 60 डिग्री है। तो तीनों एंगल का सब क्या हो गया आपके पास, 180 डिग्री। तो ये एक थ्योरम भी है, सब ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लेकिन अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि हर एंगल तो 60 डिग्री नहीं होता है, तो उसमें आप चेंज कर दो। ये लो, जैसे मैंने ये हिला दिया, इसको पूरा हिला दिया मैंने, इसको कोई भी एंगल ले लेते हैं इसमें। अगर हम जैसे यहाँ ये 0 डिग्री पे है ना, अगर मैं इसको स्केलर ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल बना देता हूँ, स्केलर ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, जितने एंगल यहाँ चेंज हो गए। अगर सपोज यहाँ आपके पास 60 का 70 हो गया, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 50 आ गया, 70 इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ 50 आ गया, 120, तो ये 60 रहेगा। मतलब आप कोई भी एंगल इसमें ले सकते हो, कोई भी एंगल आप इसमें बना सकते हो। आई होप इससे आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।